नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के ब्लॉक सभागार में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के बाद नवनिर्वाचित प्रमुख और उप प्रमुख सदस्यों को पद की एसडीओ धीरेन्द्र सिंह और बीडीओ संतोष प्रजापति ने शपथ दिलाई। मौके पर सीओ असीम बाड़ा मौजूद थे। बता दें कि प्रमुख पद के लिए राजकुमार यादव और गोपी रविदास उम्मीदवार थे। वहीं उप प्रमुख पद के लिए लालू यादव तथा बैजू मरांडी ने नामांकन किया था। तीसरी सभागार में हुए मतदान में राजकुमार यादव 14 वोट तथा गोपी रविदास को 4 मत मिले। वहीं उप प्रमुख से बैजू मरांडी को 15 वोट तथा लालू यादव को 3 वोट प्राप्त हुए। एसडीओ ने गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के नव निर्वाचित प्रमुख राजकुमार यादव और उप प्रमुख बैजू मरांडी को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। साथ ही खोरीमहुआ पदाधिकारी द्वारा नव निर्वाचित प्रमुख और उप प्रमुख को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद समर्थकों ने प्रमुख और उप प्रमुख का जमकर स्वागत करते हुए तीसरी गांधी मैदान होते हुए तीसरे चौक तक रैली निकाला। समाज सेवी निरंजन राय ने प्रमुख व उप प्रमुख को माला पहनाकर बधाई दी। जनता अपेक्षा बहुत ज्यादा उम्मीद किया हम पर, और जो पंचायत समिति सदस्य जीत करके आए अपना अपना क्षेत्र से, उन्होंने भी हमारे पर भरोसा जताया है। तो हम इतना जरूर चाहेंगे कि परिवर्तन बिल्कुल उल्टा हो, बढ़िया होगा, विकास होगा, काम होगा, गरीब आदमी का बिल्कुल काम होगा, और जो हक है गरीब का वो घर घर पहुँचेगा।